हेलो दोस्तों, नमस्ते। माय न्यू स्टारो में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय सोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज कभी का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, आपके पार्टनर की आज रात की एनर्जी, आज रात उनका मूड कैसा है, वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं और उनकी टू इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए, ठीक है। तो वीडियो को ध्यान से सुनना है, एनर्जी आपसे जितनी भी रेजोनेट है उतना लेना है और बाकी को जाने देना है, ठीक है। और अपने पर्सन का नाम ले लीजिए, उनके बारे में सोच लीजिए, फील कर लीजिए, ठीक है। ध्यान लगाइए और इंटेंशन सही रखिए, ठीक है। तो चलिए मैं देखती हूँ आज एनर्जी रात की व्यूअर्स के, पार्टनर्स की, उनका मूड कैसा है। जस्ट प्लीज गाइड करें। थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। दिल कह रहा है दीवाना, दिल किसी से लगाना, झूठे हैं प्यार के वादे सारे, झूठे हैं प्यार के कसमें। Source, the sun, Queen of Wands, the lovers, and Queen of Pentacles. Temperance. आपके पार्टनर, कुछ वर्ष आपके पार्टनर अपने हीलिंग प्रोसेस पे काम कर रहे हैं, फिलहाल वो आपसे मिलना चाह रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बहुत खुश भी हैं, कुछ वर्ष आपके पार्टनर पेनफुल सिचुएशन में हैं। एम्प्रेस यहाँ भी है और टेम्परेंस के नीचे भी है द एम्प्रेस, दोनों ही डेक से देख पा रही हूँ। जस्ट प्लीज गाइड करें। भैया डर है आपके पार्टनर को। फाइव ऑफ वांड्स, ये क्या बात हुई। बहुत ईर्ष्यालु पर्सन है भाई, मानना पड़ेगा। प्यार भी है, ईर्ष्या भी है। अभी अभी जाने के बाद हम तो भूले माही आ रहे। तो ये पर्सन जो है आपके तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है। थ्री ऑफ वांड्स, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी है। बॉटम द डेक से देखिए, द सन यहाँ भी आया है। कुछ व्यूअर्स आपके लाइफ में सक्सेस आ रहा है रिलेशनशिप में, द फूल, ठीक है। कुछ व्यूअर्स और कुछ व्यूअर्स आप दोनों के रिलेशनशिप में काफ़ी अभी प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं मुझे। सेवन ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ वांड्स और फाइव ऑफ वांड्स एंड फाइव ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। तो आप अपने पर्सन की एनर्जी को देख लीजिए, ठीक है। कुछ व्यूअर्स आपके साथ कुछ अभी सही नहीं चल रहा है, कुछ लोगों के साथ, और कुछ व्यूअर्स ये आपके लाइफ में बल्ले बल्ले होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर माही आ रे हम तो हारे। तो कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर को कुछ कुछ होता है और आपसे मिलना भी चाहते हैं, बट कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर और आपके बीच में अभी सिचुएशन सही नहीं दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। क्षमा 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 माता पिता। तो मैं साइन बता देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, यानी तुला, कुंभ और मिथुन राशि, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क और वृश्चिक राशि। और आ चुके हैं पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, मकर, वृषभ और कन्या राशि, एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। तो सारे साइन हैं यहाँ पे। फायर एनर्जी, वाटर,
अर्थ एंड एयर, सारे साइन यहाँ पे, ठीक है। तो देख लीजिए, कुछ व्यूवर्स माही यारे हम तुम्हारे प्यार में, तो कुछ लोगों के पार्टनर को कुछ कुछ होता है, बट कुछ व्यूवर्स आपके पार्टनर इस वक्त लग रहा है, हो सकता है कि आप अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करने लगे हो, या अपने लाइफ में ग्रो करने लगे हो, उड़ने लगे हो, अपने ऊपर फोकस करने लगे हो, तो कुछ व्यूवर्स आपका कुछ वाइब्रेशन जो पॉजिटिव हो रहा है, तो आपके पार्टनर का निगेटिव हो रहा है, ठीक है। तो मतलब मैं क्या बोलूँ, यहाँ पे कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर इतना, मतलब क्यों हो सकता है कि अभी आप लोग के रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम चल रही हो, क्योंकि यहाँ पे है 3 ऑफ सोर्ड्स और 7 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, ये एनर्जी बता रही है कि ये पर्सन जो भी है ना, उनको लग रहा है आप तो उनको बैक स्टेप कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि ये अपने गलती को तो स्वीकार कभी करेंगे नहीं कि हम मुझसे गलती हुई है, ठीक है। ये आपको ब्लेम कर रहे हैं कि आप में एटीट्यूड आ गया है, ईगो आ गया है, ठीक है। हो सकता है बहुत बड़ा चीज़ आपने अचीव कर लिया है, या कोई आपके दिलो दिमाग में, या कोई इंसान आ गया है आपके लाइफ में, तो कुछ वर्ष आपके पार्टनर को गलतफहमी हुई है और ये अंदर से जल रहे हैं, ईर्षा, ईगो, एटीट्यूड, क्या बात है भाई। तो इस पर्सन को अंदर से ईर्षा और लग रहा है, जो ये तो अंदर से फाइट कर ही रहे हैं, कुछ वर्ष आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि अगर मेरे साथ कुछ हुआ, तुमने मेरा दिल तोड़ा, मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, हर हाल में नहीं। तो आपके पार्टनर को पीड़ा हो रही है, इस पीड़ा में डर, इस पीड़ा में कहीं ना कहीं जलन, ईर्षा, ईगो, एटीट्यूड, बात नहीं कर रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, आप पर नज़र रख रहे हैं, दर्द हो रहा है, और ये चीज़ दिख रहा है कि शायद आप उनके साथ गलत कर रहे हो, आप उनको बैक स्टेप कर रहे हो, ठीक है। कुछ वर्ष आपके पार्टनर अभी भी बहुत ज़्यादा ईगो में, एटीट्यूड में दिखाई दे रहे हैं, ये ओपन नहीं हो पा रहे हैं, ये ओपन जैसे होता ना इंसान की, चलो भाई अगर हम दोनों में रिश्ते ख़त्म हो गए, तुम आगे बढ़ रही हो, तो भैया डिस्कस कर लो, ठीक है, लेकिन जलना क्यों, ओपन क्यों नहीं होना। तो आपके पर्सन खुलकर कह भी नहीं पा रहे, एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आपसे ईर्ष्या होने बहुत हो रही है। लेकिन अब बहुत सारे व्यूअर्स, आपके पर्सन को लग रहा है कि आप बहुत जल्दी ओपन नहीं होना चाहते हो, आप चीज़ें हाइड करने लगे हो, ठीक है, चीज़ें छुपा रहे हो, ये बदलाव आया है आप में, द एम्प्रेस और 7 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, एंड ये 5 ऑफ जो सोर्ड्स की एनर्जी है, ये इनको ट्रिगर कर रहा है, ठीक है। ये पर्सन को लग रहा है कि आप काफ़ी ईगोइस्टिक हो गए हो, 1 मिनट, तो आपके अंदर काफ़ी एंट है, एंट है बालाजी, श्रीमन नारायण 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 हरि हरि। तो कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर के अंदर बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है भाई, ये तो एकदम मन बना रहे हैं कि वो आपसे फाइट करेंगे, उनको टेंशन हो रही है, उनको लग रहा है आप इनके साथ गलत कर रहे हो, इनको बैक स्टेप कर रहे हो, आपसे फाइट करना चाह रहे हैं। और ऐसे भी आपका असर, आपके बदलाव का असर जो हो रहा है ना, आपके प्यार का, आपके बदलाव का, ये पर्सन के ऊपर जो एनर्जी ट्रिगर कर रहा है, ये असर और कुछ लोगों पर भी हो रहा है, ये किसी से भी फाइट कर रहे, हो सकता है ये तोड़फोड़ भी कर रहे हैं। आपके अंदर के बदलाव की वजह से इस पर्सन के अंदर बहुत ईर्ष्या और गुस्सा बढ़ रहा है, ठीक है। ये बहुत ईगो में है, कुछ वर्ष आपके पार इमोशंस है, देख लिए, आपके लिए प्यार है, ऑफर करना चाह रहे हैं, बढ़ना भी चाह रहे हैं, थोड़ा टाइम दीजिए इनको, ठीक है, ये पर्सन को थोड़ा वक्त दीजिए, ठीक है। ये क्योंकि इसके मन में जो भी है ना, बहुत सारी बातें चल रही है अभी, ये निगेटिव भी सोच रहे हैं और पॉजिटिव भी सोच रहे हैं, लेकिन ईगो ईर्ष्या से भरे हुए हैं। अगर इस बीच में आप दोनों में बात हो जाएगी ना, ये और कुछ आपको बोलकर मैनिपुलेट कर देंगे, तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है, ठीक है, थोड़ा सा व्यूअर जी आपको पेशेंस रखना है, क्योंकि अभी ये पेन में भी हैं और गुस्से में भी हैं, ठीक है। तो हो सकता है बहुत सारे व्यूअर्स आप जॉय कर रहे हो, अपने लाइफ को चेंज कर रहे हो, फिटनेस पे ध्यान दे रहे हो, अपने लुक पर ध्यान दे रहे हो, अपने ड्रेसिंग सेंस पर ध्यान दे रहे हो, अपने करियर पर ध्यान दे रहे हो, अपने वर्क प्लेस पर ध्यान दे रहे हो, अपने काम पर फोकस कर रहे हो, ठीक है। बहुत सारे व्यूअर्स आप अपने वर्क प्लेस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हो, ठीक है, तो ये चीज़ उनको खल रही है, ठीक है। इस पर्सन को ये बातें खल रही है कि आपके अंदर जो बदलाव हुआ है ना, उसके वजह से ये अपने अंदर भी फाइट करें, और ये किसी से भी उलझ जा रहे हैं, चाहे वो वर्क प्लेस पे हो, फैमिली मेंबर्स में हो,
या कॉलिक हो, रिलेटिव हो, फ्रेंड सर्किल हो, घर में अपने फैमिली मेम्बर्स कोई भी हो, वहाँ भी ये फाइट कर रहे हैं। तो ये तोड़ फोड़ मचा सकते हैं, अंदर से चिड़चिड़ापन, जो इंसान जेलस फील करेगा, गुस्सा करेगा। मतलब यहाँ पे दिख रहा है दसन, आपकी खुशी से, आपके सक्सेस से, आपके बदलाव से इनको ईर्ष्या हो रही है, लेकिन इनका मूड हो रहा है कि वो आपसे फाइट करें, ठीक है, क्योंकि ये ओपन नहीं हो पा रहे, लेकिन मन में गुस्सा भर रहे हैं, ठीक है। और ये बदलाव इनको बहुत ज़्यादा मजबूर कर रहा है, ठीक है। और बहुत सर्विस हो सकता है कि आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हो, ठीक है, या आप सोशल मीडिया पे मिले हो, ठीक है। तो बहुत सर्विस हो सकता है कि आप लोग सोशल मीडिया पे मिले हो या आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हो, ठीक है। यहाँ पे आपको प्यार करते हैं, आपको रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी वैल्यू करते हैं, लेकिन अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से में है, एटीट्यूड में है, और आपके अंदर जो बदलाव है ये जानना चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कौन आया है, ये फाइट करना चाह रहे हैं। आपके परिवर्तन जो हुए ना, तो द लवर्स की एनर्जी होने लगी है, प्यार 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 प्यार, इमोशंस इमोशंस, बैलेंस बैलेंस बैलेंस, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन प्यार भी यहाँ दिख रहा है। द लवर्स करीब आना चाहते हैं, ऑफर करना चाहते हैं, ठीक है। तो देखिए किस तरह आपके तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, ये घोड़े पे सवार एक कदम उठाए, स्टेप बढ़ा रहे हैं, आगे स्टैंड ले रहे हैं, यानी इन्हें विक्ट्री चाहिए। अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो ट्रैवल कर जाना है, मुझे मिलना है, बस इस तरह की वाइब्रेशन है। ये इंसान ऐसा नहीं था, ये इंसान अब क्यों बदल गया, ठीक है। आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, ये इंसान ऐसा नहीं था, ये इंसान अपने लाइफ में कैसे बैलेंस किया, ये कैसे बदल गया। क्योंकि कुछ व्यूअर्स आपके अपने काम करियर पर भी फोकस है, और अपने लाइफ में अपने सक्सेस ग्रोथ अपने फिटनेस पर भी फोकस है। मतलब बहुत सारे व्यूअर्स आप अपना वेस्ट देना चाह रहे हैं, ये चीज़ आपके पार्टनर नोटिस कर रहे हैं, और इनके मन में निगेटिविटी आ गई है, ठीक है। या आप उनको मैनिपुलेट कर रहे हो, ये अगर आपको मैनिपुलेट करे, ये आपको धोखा दे, ये आपको हार्ट ब्रोकन की एनर्जी में डाले, आपसे फाइट करे, तो आप बर्दाश्त करो, आप उन्हें प्यार देते रहो। अगर आप अपने आप को बदल रहे हो, तो ये आपको कह रहे हैं कि आप उनका दिल तोड़ रहे हो, इनको चोट पहुंचा रहे हो, इनको बैक स्टेप कर रहे हो, इनसे फाइट करते हो, और कहीं ना कहीं आप उनके साथ ईगो से बात कर रहे हो, एटीट्यूड आपके अंदर आया है, ठीक है। तो देखिए इनको लग रहा है कि आप काफ़ी चीज़ें इस वक्त हिडन रख रहे हो, ठीक है। इनको लग रहा है कि आप काफ़ी चीज़ें अब इनसे हिडन रख रहे हो, लेकिन आप काफ़ी एक्टिव दिख रहे हो, उनको लग रहा है। मतलब आपका लाइफ इस वक्त द सन एंड द एम्प्रेस, इनको लग रहा है कि भाई आपका लाइफ अब परफेक्ट है, ठीक है। लेकिन जिस तरह आपसे चलाते हो अपने लाइफ में, तो ये आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन अंदर अंदर तो जल रहे हैं, इनको जलन भी हो रही है आपकी खुशी से, आपके लाइफ स्टाइल से, आपके बदलाव से। और चीज़ें जो हिडन रखने लगे, जो एक एक बात आप इनसे कहा करते थे, ए टू जेड आप इनसे बातें किया करते थे, अब आपके अंदर बदलाव एटीट्यूड आ गया है, ठीक है। क्योंकि आप उनको बेहतर दिख रहे हो, तो ये आपका बदलाव, आपका बिहेवियर जो है इनको ट्रिगर कर रहा है, ठीक है। और देखिए ऑफ़र करना चाह रहे हैं, एक्शन लेना चाह रहे हैं, मिलना चाहते हैं, द लवर्स का एनर्जी मिस कर रहे हैं, अप्रोच करने की सोच रहे हैं, ऑफ़र करने की सोच रहे हैं, आपकी तरफ स्टैंड लेना चाहते हैं, आपके लिए इमोशंस प्यार सेंड कर रहे हैं, और हर हाल में देखिए कहाँ पे आ गई है, विक्ट्री के ऊपर आ गए, अपने आप को समझा रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, खुद को संभाल रहे हैं, और बस सोचे कि भैया मुझे ऑफ़र कर देना है, मन के ईर्ष्या जेलसी गुस्से को कंट्रोल करना है, ठीक है। लेकिन आप देख सकते हो भैया आपकी खूबसूरती आपकी पर्सनालिटी में कुछ ऐसे अंदाज है कि ये इंसान लाख कोशिश कर लो, कितना फाइट करे, मैनिपुलेट करे, मिसजज करे, हो सकता है मिसबिहेव भी करता है ये बंदा या बंदी आपको, लेकिन फिर भी ये आपके सामने ही हारता है, ठीक है। तो देखिए ये पर्सन है कि इस वक्त कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि आप अपने लाइफ पर ज़्यादा फोकस कर रहे हो, लेकिन ये पर्सन क्यों जल रहे हैं, कहीं ना कहीं एक खिंचाव सा इनको महसूस हो रहा है आपकी तरफ, ठीक है। ये एनर्जी द लवर्स की है, अट्रैक्शन कहो, पैशनेट एनर्जी बोलो, अटैचमेंट बोलो, ठीक है। तो एक खिंचाव सा महसूस उन्हें हो रहा है, ये आपको अप्रोच भी करना चाहते हैं, ठीक है।
तो देखिए कभी कभी होता है ना, आदमी ईर्ष्या की वजह से इतना सोच लेता है कि वो सोच गलत साबित होता है। तो ये माइंड सेट करते नहीं है, बस नोटिस करना, ब्लेम करना और प्यार भी करना, ठीक है। तो ये अप्रोच करना चाह रहे हैं, ठीक है, ये पर्सन अप्रोच करना चाह रहे हैं, लेकिन इनके मूड एक जैसे रहें तब ना भाई, सारी चीज़ें तो इनके मूड पे डिपेंड करता है, ठीक है। और इस पर्सन का ध्यान बार बार आपके तरफ आ रहा है, तो आप नहीं सोच रहे कि इनके लाइफ में अगर थर्ड पार्टी है तो इनको भी तो दर्द मिल रहा है, ऐसा वो सोच रहा है। आप ध्यान नहीं दे रहे हो कि ये भी किसी थर्ड पार्टी से, मतलब किसी थर्ड पार्टी के साथ हैं, तो ये आपको परफेक्ट पार्टनर मानते हैं, लेकिन आप क्यों नहीं सोच रहे हो कि ये भी थर्ड पार्टी के साथ खुश नहीं है। तो कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि कुछ आप गलत भी कर रहे हो, ठीक है, उनके साथ आप गलत कर रहे हो। तो हो सकता है कि इनके लाइफ में झगड़े, कलह कलेश भी हो रहे हैं, ठीक है। इस पर्सन के लाइफ में कुछ घर में कलह कलेश, फाइटिंग, झगड़े भी हो रहे हैं। शायद इनका मूड आपको लेकर अपसेट है, या रिश्ते को लेकर, डिसीजन लेकर, मैरिज को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, ठीक है, इस तरह की एनर्जी। तो ये आपको नोटिस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं, ऑफर करना चाह रहे हैं और आपसे मिलना चाह रहे हैं। हो सकता है जिस तरह की ईर्ष्या गुस्सा है, ये आपको अच्छे से कन्विंस भी नहीं कर पा रहे हैं, समझा भी नहीं पा रहे हैं। इच्छा तो बहुत हो रही है, लेकिन करें तो क्या करें, इस तरह के। लेकिन इनको न्यू बिगिनिंग चाहिए, पैशनेट एनर्जी है, आना चाहते हैं, सक्सेस चाहिए, विक्ट्री चाहिए, समझा रहे हैं खुद को, आना चाह रहे हैं, इस रिश्ते में ट्रैवल दिख रहा है। बहुत सारी ये एनर्जी दिखाई दे रही कि आपके पार्टनर जो हैं आपके तरफ स्टेप बढ़ा रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो फाइट हो रही है इनके घर में भी हो रही है, लोगों से भी हो रही है, मतलब मन में इतना ट्रिगर है कि कोई इनका नहीं सुन रहा है और ना ये किसी का सुन रहे हैं, ना ये किसी का सपोर्ट ले रहे हैं, और सबसे ये उलझ रहे हैं, ठीक है। और उन्हें लग रहा है कि आप अपने लाइफ के करियर, जॉब पर ज़्यादा फोकस कर, अपने फाइनेंस, अपने सक्सेस, अपने ग्रोथ, अपने फिटनेस, अपने जॉय पर और अपने करियर पर ज़्यादा फोकस कर रहे हो। लेकिन फिर भी इनके लाइफ में जो झगड़े, कलह कलेश हो रहे हैं, लेकिन इनके मन में डर भी है और पेन भी है, गुस्सा भी है, ईगो भी है, ईर्ष्या भी है, एटीट्यूड भी है। लेकिन इनको लग रहा है आप में एटीट्यूड आया है, आप ऐसे नहीं थे, ये इंसान ऐसा नहीं था, अब ये ऐसे कैसे हो गया। इतना आसान नहीं है कि रिश्ते को ये भुला दें, लेकिन हाँ एक खिंचाव इनको महसूस हो रहा है, मन में निगेटिविटी आ रही है, नो डाउट मन में निगेटिविटी आ रही है, लेकिन उतना प्यार भी तो आ रहा है, ठीक है। ये आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं और आपके तरफ बढ़ना भी चाह रहे हैं। देखिए टेम्परेंस की एनर्जी है, खुद के हीलिंग पर काम कर। देखिए टेम्परेंस, यहाँ टेम्परेंस की एनर्जी है और यहाँ भी टेम्परेंस की एनर्जी है, देख लीजिए। तो हर हाल में आपके पार्टनर को आप पर प्यार आ रहा है, आपसे मिलना चाहते हैं, अपनी हीलिंग चाहते हैं, रिश्ते को हील करना चाहते हैं और आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। ये ईर्ष्या आपकी खूबसूरती का है, आपकी भावनाओं का, मतलब जिस तरह की आपकी भावना है, ठीक है, जिस तरह आप मतलब दिल में, मतलब आपके लिए दिल में, मतलब बोलता ना, मतलब आपके दिल में, मैं कैसे बोलूँ, दिल में आपके लिए, आपका दिल इतना प्योर है कि मतलब ये इंसान समझ रहा है कि इतना आसान नहीं कि मैं इसे छोड़ दूँ, ठीक है। लेकिन अगर आपने खुद को बदला है तो इन्हें ईर्ष्या हो रहा है, ठीक है। लेकिन आपका साथ छोड़ना भी नहीं चाहते हैं। और देखिए ना, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, इन्हें विक्ट्री भी चाहिए इस रिश्ते में। तो अगर आप दोनों वर्क प्लेस पे भी हो ना, तो ये पर्सन आपको वॉच कर रहे हैं, ठीक है, और नोटिस कर रहे हैं आपको, आपको खुद को बदलने का, लेकिन नज़र आप पर है, बहुत ज़्यादा नज़र जो है जो आप पर है, मतलब इनकी एक्टिविटी जो है वो सिर्फ आपके ऊपर है, ठीक है। तो भाई इतना जलेंगे तो रिश्ता कैसे चलेगा, इतना ईर्ष्या होगी तो रिश्ता आगे कैसे बढ़ेगा। तो ये बंदा आपको अप्रोच करना चाह रहा है और ये आपकी तरफ बढ़ना चाह रहा है। यहाँ भी दस सन है, तो बहुत सारे व्यूअर्स, मुझे लग रहा है दस सन की एनर्जी है, बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर की जो एनर्जी है वो आपसे मिलना चाहते हैं, रिश्ते को हील करना चाहते हैं और आपसे जुड़ना चाहते हैं। दस सन, दस सन एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आ रही है, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है बहुत जल्द आपके तरफ ट्रैवल होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। सक्सेस दिखाई दे रहा है, ट्रैवल दिखाई दे रहा है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस भी है तो थोड़ा वक्त दीजिए, वो ट्रैवल कर रहे हैं, वो आ रहे हैं, लेकिन इस वक्त वो भी पेन में है। और हो सकता है कि इनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी इशू हो सकता है, उनके साथ भी इनको बैकस्टेप हो रहा है। हो सकता है कोई थर्ड पार्टी है जो आपके पार्टनर को बैकस्टेप कर रहा है या कर रही है, हो सकता है उस इस वक्त वो पेनफुल सिचुएशन में हो
और उन्हें आपके प्यार की ज़रूरत हो रही है, तो आपको प्यार करते हैं, आपके रिस्पेक्ट करते हैं, बट आप उनसे फाइट मत कीजिए। तो थोड़ा रोमांस चाह रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है, आपसे मिलना चाह रहे हैं, रोमांटिक फीलिंग्स भी है, प्यार भी है, चाहत भी है, अट्रैक्शन भी है, ठीक है। तो इस पर्सन में अटैचमेंट भी, मतलब वो आपके करीब आना चाह रहे हैं, बस सौ की बात एक, आपके पर्सन आपके करीब आना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ रीयूनियन के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मन में डर बहुत है, नज़र आप पर है, आपको नोटिस किया जा रहा है, लेकिन घबराइए नहीं। द एम्प्रेस की एनर्जी दो दो कार्ड्स निकले हैं, द सन की एनर्जी दो दो कार्ड्स निकले हैं, तो यहाँ इतना है कि आपकी वैल्यू है, आप उनके लिए परफेक्ट हो, और इस रिश्ते में सक्सेस एंड विक्ट्री चाहिए, ठीक है। तो बहुत सारे हो सकता है व्यूअर्स आप सोशल मीडिया पे भी मिलो, या आजकल बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे आप एक्टिव भी हो, तो ये चीज़ ये फॉलो कर रहे हैं या फिर ये चीज़ देख रहे हैं आपको, ठीक है। अब रिश्ते को कैसे बेहतर बनाना है उसके बारे में ये पर्सन काफ़ी सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। तो मैं यहाँ से मैसेज भी देख लेती हूँ, ठीक है। दिल दिया गल्ला, देखिए इस पर्सन का जो दिमाग है ना, जो मूड है ना, ये सिर्फ इनके मूड पर डिपेंड करता है, ठीक है। इनका जो मूड करेगा वही करेंगे, लेकिन इस वक्त हो सकता है कि बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर के लाइफ में कोई ऐसा थर्ड पार्टी है जो आपके पार्टनर को ही धोखा दे रहा है, ठीक है, या धोखा दे रही है, इसलिए आपके पार्टनर को यह एहसास हो रहा है और आपके यहाँ वैल्यू हो रही है। लेकिन जब मन में निगेटिविटी आती है तो उनको डर लगना शुरू होता है कि आप भी उनके साथ ऐसे ही कर रहे हो, क्योंकि आपका बिहेवियर में काफ़ी चेंज आया है। हनीमून, प्यार करना चाहते हैं, इनर वर्क, अपने आप को हील करना चाहते हैं, मतलब अपने ऊपर काम करना चाहते हैं, फिटनेस पे ध्यान देना चाहते हैं, ठीक है। या हो सकता है बहुत सारे व्यूअर्स आपने इनर वर्क करना शुरू किया है, अपने ऊपर काम करना, मेडिटेशन करना, योगा करना, एक्सरसाइज करना, मॉर्निंग वॉक पे जाना, ये जिम वगैरह जाना, ठीक है, नेचर से कनेक्ट होना, तो बहुत सारे व्यूअर्स स्पेल वगैरह करना, तो बहुत सारे व्यूअर्स आपने अपने आप को बदलने की कोशिश की है, इसलिए मुझे लग रहा आप लोग इनर वर्क भी कर रहे हो, नेचर से कनेक्ट हो रहे हो और जॉय करना चाहते हो। तो बहुत सारे व्यूअर्स आप अपने ऊपर फोकस करते हुए नज़र आ रहे हो, और आपके पार्टनर भी अपने ऊपर फोकस करना चाहते हैं। आपका साथ उन्हें बहुत अच्छा लगता है। आई एम फाइन, यू कंप्लीट मी, गुड न्यूज़, जो तू मेरा हमदर्द है, पेरेंट्स इशू, लॉयलिटी, कॉम्प्रोमाइज़। तो इस वक्त आपके पार्टनर, हो सकता है कि बहुत सारे व्यूअर्स के पार्टनर हैं जो कर्मा फेस कर रहे हैं, या फिर उन्हें लग रहा है कि इनके लाइफ में जो कुछ भी, और आप दोनों के बीच में हो सकता है कि डेस्टिनी ने आप दोनों को मिलाया है, ये भी हो सकता है। कॉल मैसेज करना चाह रहे हैं वो, ठीक है, कॉल मैसेज, कॉम्प्रोमाइज़, लॉयलिटी की एनर्जी है, पेरेंट्स इशू है, जो तू मेरा हमदर्द है, गुड न्यूज़, यू कम्प्लीट मी, इनर वर्क एंड हनीमून। तो पैशनेट एनर्जी है आपके पार्टनर के अंदर, लेकिन उनके गुस्से, उनके ईर्ष्या को समझिए कि वो इतना आपसे क्यों जल रहे हैं। कहीं ना कहीं वो आपको पाना चाहते हैं, उनका टेंशन बढ़ रहा है, क्योंकि आपका बदलाव का असर उनके ऊपर बहुत होता है, उनके हेल्थ पर, उनके वेल्थ पर, उनके नींद पर, ठीक है। लेकिन द एम्प्रेस की एनर्जी है, दो दो कार्ड्स निकले हैं, तो आपकी वैल्यू बहुत है, ठीक है। दुख है तो सुख है, सुख है तो दुख है, ठीक है। लेकिन सन की एनर्जी सक्सेस एंड शाइनिंग, ठीक है। तो आपके पार्टनर के लिए आप परफेक्ट पार्टनर हो, ऐसा वो सोचते हैं, लेकिन आप दोनों के बीच में पेरेंट्स इशू भी हैं, लेकिन फ़िलहाल कॉम्प्रोमाइज़, जो तू मेरा हमदर्द है, आपके लिए लॉयल हैं, आपका साथ उन्हें अच्छा लगता है, वो खुश होते हैं, गुड न्यूज़ मिलने वाला है, यू कम्प्लीट मी, इनर वर्क, बहुत सारे व्यूअर्स आप इनर वर्क करने लगे हो, हनीमून। तो प्यार, पैशनेट एनर्जी और कॉल मैसेज ये करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो मन का डर ये ख़त्म करें तो अच्छा है, क्योंकि ईर्ष्या भी है लेकिन उससे ज़्यादा प्यार भी। ईर्ष्या कहाँ होता है, ईर्ष्या कहाँ होता है, जलसी कहाँ होती है, जब या तो आप आगे बढ़ रहे हो, या आप उस इंसान को भाव नहीं दे रहे हो, या आपने खुद को बदलना शुरू कर दिया, या आप उनके लेवल में आ रहे हो, या उनके लेवल से ऊपर जा रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं ये चीज़ असर होता है, ठीक है। तो आपकी कमी महसूस होती है। तो ये है आज रात की एनर्जी व्यूअर्स के पार्टनर्स के, तो फिलहाल वो आपसे मिलना चाहते हैं, तो बहुत जल्द आप लोग की रियूनियन होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ 6 नंबर और 3 नंबर, ठीक है, 3 नंबर 3 नंबर
इम्पॉर्टेंट है। 7 नंबर इस वक्त हो सकता है आप लोग 777 देख रहे होंगे, तो लाइफ में सक्सेस एंड ग्रोथ भी आ रहा है। 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है आप सबके लिए, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग 3 नंबर है, ठीक है, और 7 नंबर भी है, 6 नंबर है, ठीक है। तो ये है आज रात की एनर्जी व्यूअर जी आपके पार्टनर की। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।